ये स्प्रिंग का लिमिटेड एडिशन आया हुआ है। मैं खरीद के खानी पड़ती तो मैं कभी ना खाती क्योंकि प्राइस इज रियली रियली हाई। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये है ना वो, अब मैं सो के उठ चुकी हूँ, तकरीबन सुबह के 10:30 हो रहे हैं। आज डे टू है और डे टू मतलब कि बारिश के लिए डे टू है और माशाल्लाह खूब 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 बारिश हो रही है अभी तक। और मैं बाहर आई थी देखने के लिए कि बारिश के नज़ारे किस तरीके के हैं, क्या हैं क्या नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बारिश ज़बरदस्त हो रही है। रोज़े तो ठंडे मतलब हद से ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। तो बस अभी जो है ना मैं कुरान पाक पढ़ूँगी। टाइमली उठने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि आप कुरान पाक अर्लियर पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद फिर मैं तब तक जहर का वक्त हो जाएगा, फिर जहर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपना इंशाल्लाह ताला काम लेके बैठेंगे, मतलब अपनी स्टडी लेके बैठेंगे, क्योंकि मुझे प्रोफेसर को अपने सुपरवाइज़र को कुछ चीज़ें कुछ मटेरियल सबमिट करना है। आप ये देखेंगे कि फूल जो है ना जो यहाँ पे आप हमारे हैं चेरी ब्लॉसम के, आप देख रहे हैं कि किस तरह के इनके पत्ते वगैरह नीचे गिरे हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि सारी की सारी पत्तियाँ जो है ना वो झड़के नीचे गिरी हुई हैं। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक पढ़ लिया है और साथ साथ मैं मौसम इंजॉय कर रही हूँ। खूबसूरत मौसम हो रहा है, स्टिल बारिश हो रही है और अभी ये बारिशों का सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके अलावा 12:30 बजे हमारी होती है जहर की अज़ान, तो तब हम नमाज़ पढ़ेंगे। सिर्फ आधा घंटा रह गया है और इस आधे घंटे में मैं अपना व्लॉग जो मैं आज अपलोड करने वाली हूँ वो व्लॉग मैं अभी एडिट कर लूँगी। अभी जो है वो 1 बज रहा है दोपहर का। जी, तो दोपहर का 1 बज रहा है, व्लॉग मैंने एडिट कर लिया है, इंशाल्लाह शाम के लिए अपलोड कर दूंगी। और अभी जो है वो जहर की अजानी हो गई थी तकरीबन 12:30 बजे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12:30 बजे अजानी हो जाती है, तो अब बस मैं अपनी नमाज अदा करूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी जो है ना दोपहर के कम अज़ कम 3 बज रहे हैं, मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे आटा गूंदना था, तो मैं बैठ के पढ़ रही थी। मैंने कहा बस अब जो है ना थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, आटा गूंदते हैं ताकि शाम में हल्की सी रोटियाँ बनाने में आसानी होगी, क्योंकि शाम में फिर क्लास भी है, फिर उसके बाद मुझे अफ्तारी भी बनानी होगी, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए आटा गूंद लें। अच्छा, हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे चाइना आने का ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ के मुझे आटा गूंदना आ गया, जो कि पाकिस्तान में मुझे आता नहीं था गूंदना, दुबई में भी मैंने ज़्यादा आटा गूंदा नहीं है, तो इसलिए मैं दुबई में ज़्यादातर चावल पका लेती थी ताकि मुझे आटा ना गूंदना पड़े, क्योंकि पता नहीं क्यों कभी आटा मेरे से नरम हो जाता था, कभी सख्त हो जाता था, कभी पानी ज़्यादा डल जाता था, बहुत मुश्किल होती थी। पर पता नहीं क्यों खुद ब खुद प्रो हो गई हूँ मैं यहाँ पर आके आटा गूंदने में। या आप मेरी किचन की खिड़की से बारिश के नज़ारे देख लें, कैसी मूसलाधार बारिश हो रही है। और इधर मैं खाना बना रही हूँ, उधर बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हो रही है और दिल तो बहुत कर रहा है बारिश में जाके नहाने का, लेकिन बीमार होना फोड़ नहीं है प्रदेश में। तो ये हो गए हैं हमारे टिक्के का रेसिपी, चिकन टिक्का रेसिपी तैयार, और ये हमारी अपने घर की अपनी रेसिपी है। हाँ जी, तो अभी ऑलमोस्ट हो रहे हैं शाम के 4:30 और मैं हिम्मत करके निकलाई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था स्टोर से, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिश है, बारिश में निकलना मुझे बड़ा उलझन महसूस होती है, मुझे चिपचिप बिल्कुल पसंद नहीं है। बस आप कमरे की खिड़की से खड़े होकर बारिश अगर इंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में निकलना नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन यहाँ पर यह कि ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है कि पानी वगैरह रुक रहा हो या कुछ हो, यहाँ पे सड़कें सिर्फ गीली ज़रूर होती हैं लेकिन पानी कहीं इकट्ठा नहीं हुआ हुआ होता। एटलीस्ट जितनी मैंने बारिश अभी तक विंटर रेन्स या अभी समर शुरू होने से पहले ये जो रेन्स आ रही हैं, जितनी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसमें, तो मैं यही देख रही हूँ। अब आगे का अल्लाह जाने। मैं आ गई हूँ चौशी में, मुझे कुछ सामान लेना है, मैं वो सामान वगैरह लूँगी और उसके बाद फिर बैक टू होम। हर किसी की छतरियाँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं कि छतरियाँ टकरा रही हैं आपस में। हम अपनी छतरी साथ ही लेकर आ गए हैं,
यूनिवर्सिटी के पास कली चौशी है, यहाँ देखते हैं। ये बिल्कुल मेरे डॉर्मेट्री के सामने है। ओके, कुछ देखते हैं यहाँ से। कल भी मेरा दिल कर रहा था कुछ रात में नमकीन खाने का, लेकिन था नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर भी हर नूडल्स लेना ले, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बुक होता है, यानी कि हलाल नूडल्स नहीं होते। जो हलाल नूडल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, तो देख के लेते हैं कुछ कुछ नमकीन में क्या ले सकते हैं। तो ये लेस के फ्लेवर है, ये टमाटो फ्लेवर है, इनका लाइम फ्लेवर है, और इनका ये फ्लेवर अच्छा होता है काफ़ी, लाइम फ्लेवर इनका काफ़ी मज़े का होता है। एक इनका फ्लेवर होता है कुकम्बर वाला, वो मैं देखती हूँ, यही है शायद, हाँ कुकम्बर फ्लेवर, ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है इनका। तो ये लेते हैं, ये देखें, ये वैरायटी ऑफ लेस आपने कभी देखी भी नहीं होगी, क्योंकि ये वहाँ पर होती ही नहीं है। ये रीलेस की ये वैराइटीज़, ये इनकी कुछ अपने ही निकाले हुए, ये वाले, ये स्प्रिंग का लिमिटेड एडिशन आया हुआ है इनका, तो इसलिए इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है हलाल हराम का। ये बाकी यहाँ के अपने स्नैक्स हैं, इन लोगों के अपने जो अभी आके, तो ये यहाँ के अपने बिस्किट की कुछ वैराइटीज़ हैं। अब यहाँ पर आके तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैंने ये वाला बिस्किट कर लूँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे, लेट्स ट्राई करना है। पहली मरतबा मैंने इसे पहले ट्राई नहीं किया, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने इतना सब कुछ ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ वापस अपने रूम पे, ऑलमोस्ट 4:45 हो रहे हैं अभी, और आज ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं। आटा मैं ऑलरेडी गूंथ चुकी हूँ, सालन मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ टिक्कियों का, बस रोटियाँ पकाऊँगी, और उसके लिए भी तकरीबन 6:15 किचन में जाऊँगी। आज ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। रायता बनाना था, मैं ऑलरेडी रायता भी बना कर रख चुकी हूँ फ्रिज में, तो इसलिए मुझे ऐसे कुछ करना नहीं है। मैं इस बात का काफ़ी शुक्र अदा करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में ये सारी एकेडमिक्स क्लासेस लेकर आई हूँ, अपने कोर्स वर्क पाकिस्तान में मैं करके आई हूँ। मैं बड़े शुक्र अदा करती हूँ इस बात का, वरना फिर ऐसा हो जाता है कि अभी मुझे इन लोगों बेचारी के जो लोग बारिशों में और रोज़ों में भाग रहे हैं क्लासेस लेने, मैं भी इनमें से एक होती और मुझे भी इनकी तरीके से इन्हीं की तरह से जाना पड़ता क्लासेस वगैरह लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ैसला था कि मैंने अपने सारे ऑनलाइन एकेडमिक्स पूरे कर लिए थे। अल्लाह का ऐसा करम है, कल भी जब मैं कुरान पाक पढ़ के रूम में आई हूँ, और जैसे मैं रूम में घुसी हूँ पीछे बारिश तेज़ शुरू हो गई। अभी भी मैं सामान लेने गई थी जो चौशी पे, और मैं कुछ सामान लेकर आई, जो लेस वगैरह लेकर आई, वो लेकर मैं जैसे ही रूम पे एंटर हुई हूँ बारिश शुरू हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि तब नहीं हुई जब मैं बाहर थी। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेस कौन से लेकर आई हूँ और इसकी प्राइस क्या है कंपेयर टू पाकिस्तान। और अर्जेंट, तो ये मेरे पास एक कुकम्बर फ्लेवर है, ठीक है, और अभी मुझे इतना टाइम हो गया चाइना आए हुए, तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कुकम्बर फ्लेवर है या नहीं। मुझे तो पता है कि पाकिस्तान में कुकम्बर फ्लेवर नहीं है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे मसाला फ्लेवर है, के अलावा हमारे पास एक सॉल्टेड फ्लेवर है, टैटो फ्लेवर भी है 3, और एक फोर्थ और फ्लेवर है जो ऐसे ग्रीन कलर का है, तो अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा फ्लेवर है, लेकिन 4 फ्लेवर है पाकिस्तान में। तो ये कुकम्बर फ्लेवर है, ठीक है, और इसके अलावा ये है लाइम फ्लेवर। इसकी जो प्राइस है यहाँ पे, वो मुझे मिली है 6.90 युआन का, ये मुझे मिला है, और ये पाकिस्तान का तकरीबन बनते हैं। ओके, ये मुझे यहाँ के 6.90 युआन का मिला है, यानी कि पाकिस्तान के 285 युआन का, तो सॉरी 285 रुपीस का। अगर यही चीज़ मुझे पाकिस्तान में 285 रुपए में खरीद के खानी पड़ती तो मैं कभी ना खाती, क्योंकि प्राइस इज रियली रियली हाई एज पर पाकिस्तानी रुपीस। क्योंकि मुझे ये यहाँ पे 6.90 युआन का मिल गया है, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है इसको खरीदना भी और इसको खाना भी, समझे। ऑलराइट, देन ये है यहाँ की स्प्राइट, और ये है यहाँ पे की जीरो स्प्राइट, यानी कि कैलोरीज फ्री स्प्राइट। तो ये मुझे जीरो स्प्राइट यहाँ पे 500 मिली है पाकिस्तान के 208 रुपए की, और चाइना के 5 युआन की। पाकिस्तान में इसी स्प्राइट की प्राइस जब मैं पाकिस्तान में थी लास्ट, मैंने जब स्प्राइट हाफ लीटर वहाँ पे पी थी, नॉट जीरो कैलोरीज बट द डिफरेंट वन, जो सिंपल वाली होती है वो जो मैंने पी थी, उसकी प्राइस कम अज कम भी पाकिस्तान में थी 55 रुपए। और ये है जीरो कैलोरीज पे। अब इसकी प्राइस वहाँ कितनी है आप देखो और मुझे भी बताओ। तो ये 208 PKR की यहाँ पे मिली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है मिंटोस, और मिंटोस की प्राइस पाकिस्तान में कितनी है मुझे नहीं पता। मुझे ये याद है मैं फैसलाबाद जाती थी, तो वहाँ पे मैं लिया करती थी, वहाँ पे ट्रेडियन लिया करती थी, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वो राउंड अबाउट 100+ की हो गई थी जब लास्ट मैंने वहाँ पे ली थी ट्रेडियन, फिर आना बंद हो गई थी। अलफतेह मॉल में भी नहीं मिल रही थी, इसके अलावा चेज़प में भी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे हम ट्रेडियन यूज़ करते थे।
लेकिन 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 इसकी प्राइस यहाँ पे है 405, ये 405 रुपए की है मिंटोस की एक ये। तो ये बबल है, तो ये प्राइसेस आप कंपेयर कर लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी पीकेआर में आप कहते हैं कि अगर ये पीकेआर में, तो ये यहाँ पे मैंने 10 युआन में उठाई है। 10 युआन में उठा के मुझे इतना फील नहीं हुआ, मेरे लिए फिजिबल है 10 युआन में ये लेना, 6.9 युआन में ये लेना। जैसे पाकिस्तान के में बच्चों को 20-30 रुपए दिए जाते हैं, कहा जाता है जाके इसमें से अपने लिए चीज़ें ले आओ, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ के 50 युआन के अंदर अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ले लोगे। ये कोई फर्स्ट टाइम ही मैं बिस्किट खाने लगी हूँ, तो मैं देखूँगी आज ये खा के आपको रिव्यू दूँगी कि इस बिस्किट की का टेस्ट कैसा है। वैसे तो लिखा है रॉ कोकोनट लाटे फ्लेवर सैंडविच कुकीज़, तो मैंने इसको क्योंकि मुझे लाटे पसंद है तो इस वजह से मैंने ये ले ली कुकीज़, तो आज देखेंगे खाते ये कैसी लगती है। अब जो है ना मैं बना रही हूँ बस रोटियाँ, जो है वो 6:17 हो गया है, सालन तैयार है। तो आज इफ्तार में पराठा है, इसके अलावा खजूर है और इसके अलावा जूस है। मैंने जो लोबिया बनाया हुआ था बस इंशाल्लाह आज ही लोबिया ख़त्म कर देना है, और किचन के अंदर चिकन पड़ा हुआ है। हमारी जो इफ्तार है वुहान में, तो हमारी इफ्तार है आज तकरीबन 43 पे, और अभी 42 ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो बस अब हम अपने इफ्तार के लिए बैठते हैं, फिर बाद में स्टडीज़ करते हैं आराम से। जी हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ये शाम के 7 बज रहे हैं और मेरी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। 43 पे मैंने इफ्तार किया है, 7 बजे मैं क्लास लेने बैठी हूँ और ये अभी घंटे डेढ़ की क्लास मेरी जाने वाली है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ऑलमोस्ट सुबह के हो रहे हैं 3:30 और मैं उठ गई हूँ सहरी के लिए। तो आप लोगों को 13वां रोज़ा 13वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो रात को फिर मैंने आके कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया, मैं फिर लेट गई थी, रेस्ट कर रही थी। और अब जो है ना मैं चिकन मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, जो मैंने कल छोटे छोटे से टिक्का बोटी बनाए थे वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो नाश्ते में बस वो लेंगे और उसके साथ में थोड़ा सा दूध वगैरह पी लेंगे, तो यही सहरी होगी। तो बस मैं सहरी करती हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो नमाज़ हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई है, नमाज़ हो गई है और मैं सोने के लिए लेट गई थी। ऑल ऑफ द सडन मुझे याद आया कि यार मैंने तो ब्लॉग एंड ही नहीं किया, तो अब इस ब्लॉग को एड करते हैं यहीं पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और क्या चाहिए आपसे, बस यही। तो और अपने लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बड़ा वाली ब्लॉगर यानी सहर सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। Oh, oh.